अलीगढ़ थाना क्वारी क्षेत्र के चदनिया में उस वक्त हड़कंप का माहौल पैदा हो गया जब एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में जा भिड़े। बता जा रहा किसी बात को लेकर पिछले तीन दिनों से कहा सुनी हो रही थी और आज नौबत वो आ गई कि दो पक्ष आपस में जा भिड़े और पथराव कर दिया। पथराव में बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये आलम ये है कि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, जो कि दो पक्षों की ओर से आमने सामने चलाए गए थे। अब बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये मंजर था उस वक्त पूरे मोहल्ले और गली में वो मंजर था कि सभी लोग इतने भयभीत थे कि अपना अपना गेट बंद के ताला बंद करके घर में बंद होने पर मजबूर हो गए। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस मंजर को देखा। तो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहल्ला चदनिया के लोग जिन्होंने देखा किस तरीके से यहाँ पर माहौल था, एक जिस तरीके से जो पथराव किया गया था, जो इन्होंने झेला, जो महसूस किया। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, क्या मामला है पूरा ये बताइए, किस तरह क्यों, आखिर क्या वजह थी कि पथराव होने की नौबत हो गई? दरअसल मामला ये है सर कि 3 दिनों से ये मसला चल रहा है। क्या मसला चल रहा है? मसला ये था कि ये गांजा फेंकते हैं आके लोग। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने मना किया एक दो बार, भैया यहाँ पे मत देखो, तो हमें दबंगा ही दिखाते हैं, मानते नहीं हैं, लड़ते हैं। अब उस दिन हमने फिर एक एप्लीकेशन लगा दी, थोड़ा छोटा सा झगड़ा हो गया तो हमने एप्लीकेशन लगा दिया। तो उसके बाद दूसरे दिन शाम को फिर हमला हुआ, पथराव हुआ उधर से। फिर हम थाने में जाके एक कल एप्लीकेशन लगाया, थाने में भी लगा दिया। आज तीसरा आके आज फिर से हमला पथराव हुआ हम पर यहाँ अंदर। वजह बताइए। वजह यही थी, कुछ गांजा बेचते हैं, हमने मना कर रोका उन्हें, मारते हैं, गाली कुत्ता पकड़ते हैं, लड़की जाती हैं तो छेड़ाखानी करते हैं, कौंड कसते हैं, सुनते नहीं है, दंगाई दिखाते हैं, हमसे बोलते हैं रास्ता बंद करा देंगे, यहाँ से निकलना बंद करा देंगे, सब कुछ मतलब ऐसा है, मतलब फील कराते हैं जैसे कि हम यहाँ के लोग हैं ही नहीं, हम यहाँ से भाग जाएं, मतलब अपना वो जमाना चाहते हैं। तो मतलब हम क्या यहाँ से चले जाएंगे छोड़कर, हमें भी तो जगह चाहिए, हमें भी तो मोहल्ला है, हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए हैं, तो हम बहन बेटी हैं। अब सबको मतलब ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब हम कुछ है ही नहीं। हम लोग दूसरा पक्ष कह रहा है कि आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ। दरअसल पथराव पहले उधर से हुआ, हम तो अब हम आप देख लीजिए पथराव, हम यहाँ रहते हैं, अब वो कहाँ रहते हैं आप देख लो, पथराव कहाँ कितना पत्थर पड़े हुए हैं आप देखो, गली में आप खुद देखो, और वहां से आके यहाँ तक बाकी पथराव किया है आप देख लो, वहाँ के आप खुद देखो। क्या आप कहना कितने कितने से पथराव हुआ? मतलब इस चीज की शिकायत आपने थाना क्वारी में 3 दिन पहले भी करी थी, तो पुलिस की तरफ से कितना आसपास क्या रेस्पॉन्स मिला? उस दिन पुलिस आई थी, एप्लीकेशन हमारी ले गई, ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। फिर दोबारा पथराव हुआ शाम को, दूसरे दिन उसके शाम को, तो फिर हम दोबारा फिर हम सुबह ही थाने जाके एक और एप्लीकेशन लगा गए, मैंने सुनवाई ज्यादा हो मान नहीं रहे, आज फिर तीसरा के फिर ज्यादा पथराव हुआ है। फिर हमने प्रशासन को फोन किया है, अब आके आज पुलिस आई है, जब जो अभी मैटर यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब शांत है। नहीं तो बताइए इस पथराव में कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से हो गए 2-3 लोग होंगे सर। अच्छा, राजकुमारी। राजकुमारी, क्या मामला था पूरा? मामला ये है कि यहाँ के निकलते हैं तो हम तो कुछ कहते नहीं, उनसे निकल जाते हैं, अगर यहाँ आके ईंट पत्थर मारते हैं तो तब कहते हैं हम उनसे क्यों मार रहे हो भाई, क्या गलती है हमारी, तो वो मानते नहीं, फिर मार के भाग जाते हैं। हाँ, उधमबाजी करते हैं ज्यादा। आज क्या हुआ? आज तो यहाँ खुद आके मारा है उन्होंने ईंट। अच्छा, ईंट मारी है। हाँ चलिए, तो हम तो जहाँ कितने लोग घायल हो गए इसमें? 3 लोग घायल हुए। बात करेंगे, मेरे साथ दूसरा पक्ष भी मौजूद है जिनसे बात करेंगे किस तरह की घटना हुई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा मंजू। मंजू, किस तरीके आज घटना हुई है, क्या क्या कहेंगे? आज तो कुछ बात भी नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक ईंट ही रही। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं, ये खाट मैंने जल्दी से खड़ी करी अपनी। क्या कारण है, किस तरीके पथराव हुआ है? क्या कारण पूछ रहे, क्या इन बच्चन के चक्कर में कहीं क्यों आते हैं गली में? अच्छा, कुछ पता करा आपने अपने? नहीं, हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ बैठे थे एकदम, ये पथराव 3 दिन से कर रहे हैं ये। 3 दिन से पथराव? हाँ, 3 दिन से कर रहे हैं, सब बालक इधर को जा रहे हैं, सभी कर रहे हैं। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।